हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत के प्रसिद्ध मुहावरे एवं लकोक्तियाँ, यानी जो अक्सर परीक्षाओं में आया करते हैं। संस्कृत के मुहावरे एवं संस्कृत लकोक्तियाँ सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हम यहाँ इस वीडियो में ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे दे रहे हैं। IAS, IPS विभिन्न राज्यों की होने वाली परीक्षाओं के साथ ही अनेक प्रवेश परीक्षाओं में भी संस्कृत के मुहावरे एवं संस्कृत लोकोक्तियाँ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए इनका अध्ययन करके आप सफलता पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण कहावतें, महत्वपूर्ण बातें जिनको हम हिंदी में लकोक्तियाँ कहते हैं या मुहावरे कहते हैं। तो आइए इनको आज हम इनका अध्ययन करेंगे संस्कृत में। तो सबसे पहले हमारा जो लकोक्तियाँ हैं वो है अर्तयणे पतितो वही स्वयमेव संभयति, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है तिनको रहित स्थान पर पड़ी हुई अग्नि स्वयं समित हो जाती है, यानी स्वयं अपने आप शांत हो जाती है। अगला जो मुहावरा है हमारा वह आहारे व्यवहारो च तृप्तिलज्ज सुखी भवेत, जिसका अर्थ बनता है आहार व्यवहार में लज्जा छोड़ने से ही सुख मिलता है। अगला हमारा है आर्जोम हिंग कुटिलेशु न नितिह, इसका हिंदी में अर्थ बनता है कुटिल मनुष्यों के साथ सरलता का व्यवहार नीति युक्त नहीं है। अगला जो है हमारा बनता है अति सर्वत्र वर्जयते, इसका हिंदी में अर्थ है अति सर्वत्र वर्जित है। अगला हमारा है अश्वमेवम भक्तोयम कृतम कर्म शुभा शुभम, इसका हिंदी में अर्थ बनता है अच्छे अथवा बुरे जैसे कर्म किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अगला हमारा मुहावरा बनता है, लोकोक्तियाँ बनता है आत्मवत सर्वभूतानि, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए, यानी सभी जितने भी प्राणी हैं उनको अपने समान ही समझना चाहिए। अगला हमारा है उपदेशो ही मूर्खायाम प्रकोपयाम न शायन्ते, उपदेशो ही मूर्खायाम प्रकोपयाम न शांतये, इसका अर्थ बनता है मुख को उपदेश देने से उसका क्रोध शांत नहीं होता। अगला हमारा है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है उद्यमी पुरुष सिंह लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। अगला हमारा है उदर निमित्तम बहु कृतवेक्षा, इसका मतलब बनता है पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के रूप बनाने पड़ते हैं। इसके बाद हमारा है एक स्वाद भुर्जिता, जिसका अर्थ बनता है किसी वस्तु को एकाकी नहीं खाना चाहिए, किसी वस्तु को अकेले खाने में आनंद नहीं आता। अगला हमारा है त्रिशेक शास्ति सहदनम, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है गरीब का मित्र कौन। अगला हमारा है किम जीवितेन पुरुषस्य निरसनेन, किम जीवितेन पुरुषस्य निरसनेन, इसका अर्थ बनता है मनुष्य के निरक्षर जीवन से लाभ क्या। अगला हमारा है कालस्य कुटिलः गतिः, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है काल की गति वक्र होती है, काल की दशा नहीं जानी जाती।
अगला हमारा है गुणे वृणा बहु जलपयंती। इसका हिंदी में अर्थ बनता है गुणहीन व्यक्ति बकवास अधिक करते हैं, यानी जो गुणहीन व्यक्ति हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। अगला हमारा है जननी जन्म भूमिश्च स्वगृदा पिग रियश। जिसका हिंदी में अर्थ बनता है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही श्रेष्ठ है, यानी जननी और जन्मभूमि जो है वो हमारे लिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा है देवो दुर्बल घातक। देवो दुर्बल घातक का अर्थ बनता है देव भी निर्मल को दुख देता है। अगला हमारा लोकोक्ति है न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम। न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम, इसका अर्थ बनता है बंधुओं के मध्य गरीब होकर रहना उचित नहीं। अगला हमारा है न मूर्ख जन संगति सुरेंद्र भवने स्वपि। इसका अर्थ बनता है मूर्खों के साथ स्वर्ग में रहना भी अच्छा नहीं है, यानी सही जगह पर भी मूर्खों के साथ रहना अच्छा नहीं है। अगला हमारा है नहिम सुपतस्य सिंहस्य परविशन्ते मूर्खे मृगः। इसका मतलब बनता है सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण नहीं चले आते। अगला हमारा है निरस्त पादपे देशे अरण्डोपि दुर्मयते। निरस्त पादपे देशे अरण्डोपि दुमायते, इसका अर्थ बनता है निर्वक्ष प्रदेश में अरण्ड भी पेड़ कहलाते हैं। अगला हमारा है नेकत्र सर्वे गुण सन्निपाता। जिसका अर्थ बनता है एक स्थान पर सब गुण नहीं मिलते। अगला है पयः पानम भोजनानाम केवलम विश्ववर्धनम। जिसका अर्थ बनता है सर्प को दूध पिलाना उसके विष को बढ़ाना है। अगला हमारा लोकोक्ति है परोपकाराय संताः विभूतः। परोपकाराय संताः विभूतः का अर्थ होता है परोपकार सज्जनों की संपत्ति होती है। अगला हमारा है प्रोप देश बेलायाम शिष्टः सर्वे भवन्ति वे। इसका हिंदी में अर्थ बनता है प्रोप देश करते समय सभी लोग सज्जन और शिष्ट बन जाते हैं। अगला हमारा है प्रसाद शिखर स्तोपि काकः किम गुणदायते। प्रसाद शिखर स्तोपि काकः किम गुरु डायते, जिसका अर्थ बनता है महल के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता या गरुण नहीं हो पाता। अगला हमारा लोकोक्तिया है बुद्धि अर्थस्य बलम तस्य निर्बुद्धिशत्य कतो बलम। बुद्धियर्ष बलम तस्य निर्बुद्धियश कतो बलम का अर्थ होता है जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। निर्बुद्धिश्य कतो बलम, निर्बुद्धि व्यक्ति को बल कहाँ, यानी जो निर्बुद्धि व्यक्ति है उसके पास बल नहीं होता, उसके पास ताकत नहीं होती। अगला हमारा है बुद्धेह फल मान ग्रह। बुद्धेह फला फल मान ग्रह का अर्थ होता है हिंदी में हट न करना ही बुद्धिमानी कहलाती है, हट न करना ही बुद्धिमानी है। अगला हमारा जो लोकोक्ति है वो बनती है मनुष्य कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। इसका हिंदी में अर्थ बनता है कर्मशील मनुष्य व्यक्ति सुख दुख की परवाह नहीं करता। अगला हमारा लोकोक्ति है मितम च सार च वचो ही वाग्यमिता। मितम च सार च वचो ही वाग्यमिता, इसका हिंदी में सीधा सीधा अर्थ बनता है संक्षिप्त सार रूप में कथन करना ही कला है।
अगला हमारा है मुंडे मुंडे रुचि हिरना भिंड भित्रा। मुंडे मुंडे रुचि हिर हिरी भिरता, इसका अर्थ बनता है भिन्न भिन्न मनुष्य की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। यानी जो भिन्न भिन्न मन अलग अलग मनुष्य की जो अलग अलग मनुष्य है उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। अगला हमारा है महाजनो येन गतः सपन्नथः, इसका अर्थ है महापुरुष जिस पथ से जाते हैं वही मार्ग अनुकरणीय हो जाता है, अनुकरणीय यह है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, जो अब हमारा है रकोक्ति वो है संस्कृत में मौनम स्वीकृति लक्षणम, इसका हिंदी में अर्थ बनता है मौन होना स्वीकृति का लक्षण है। अगला हमारा है मौनम स्वार्थ साधनम, इसका हिंदी में अर्थ बनता है चुप रहने से सब काम हो जाते हैं। अगला हमारा लोकोक्ति या मुहावरे है यत्ने कृते नदी न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यत्ने कृते नदी न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, इसका हिंदी में अर्थ बनता है यत्न करने पर सफलता न मिले तो किसका दोष। अगला हमारा है यादृशी शीतला देवी त्रादृशी वाहन खरह, इसका अर्थ बनता है जैसे को तैसा मिलना। अगला हमारा है विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से विनय आती है। वृजादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, इसका अर्थ बनता है सज्जन व्यक्ति ब्रज से कठोर और फूलों से भी कोमल होते हैं। अगला हमारा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका हिंदी में अर्थ बनता है विनाश काल में बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है, यदि बुद्धि जो अकल है वो काम करनी बंद कर देती है। अगला हमारा मुहावरा है लोकोक्ति है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसका हिंदी में सीधा सीधा अर्थ बनता है विद्या धन सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम का अर्थ है विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। अगला हमारा है विद्या वहीनम पशु, यानी विद्या से रहित पशु तुल्य है। यानी विद्या से रहित व्यक्ति जो व्यक्ति जो है विद्या से रह जाता है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका जो तुल्य है वो पशु के तुल्य है, पशु के समान है। अगला हमारा मुहावरा बनता है बुभुषिक्तः किम न करोमि पापम, इसका हिंदी में अर्थ बनता है भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा है शीणा नराह निष्करुणा भवन्ति, इसका हिंदी में अर्थ बनता है कमजोर व्यक्ति दयारहित होते हैं। अगला हमारा है शरीर माघम खलु धर्मम सांधनम, शरीर माघम खलु धर्म साधनम, इसका अर्थ बनता है शरीर की रक्षा करना प्रधान धर्म है। अगला हमारा है सठे साठचम समाचरित, इसका हिंदी में अर्थ बनता है दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला हमारा है शुभस्य शीघ्रम, इसका हिंदी में अर्थ बनता है शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। अगला है सत्यमेव जयते नानर्थम, सत्यमेव जयते नानर्थम, इसका अर्थ है सत्य ही सदा जय होती है असत्य की नहीं। अगला हमारा है संतोषम परम सुखम, इसका हिंदी में अर्थ बनता है संतोष सबसे बड़ा सुख है, यानी संतोष जो है वो सबसे बड़ा सुख है। अगला हमारा है सर्वे गुणायामः कांचम मानसचते, अगला हमारा है सर्वे गुणायाम कांचन मान श्रयन्ते,
जिसका हिंदी में अर्थ बनता है धन में सब गुण निवास करते हैं। अगला हमारा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसका हिंदी में अर्थ है सत्य बोलो प्रिय बोलो, यानी जो सत्य बोलो सही बोलो, प्रिय यानी प्यार से बोलो मीठा बोलो। अगला हमारा है हितम मनोहारी च दुर्बलम बचह, इसका हिंदी में अर्थ बनता है हितकर प्रिय वचन दुर्लभ है। हितम मनोहारी च दुर्बलम च वचह का अर्थ होता है हितकर प्रिय वचन दुर्लभ है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।